हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ स्वामी की तरफ से एक न्यू स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और कहा जा रहा है चीपेस्ट प्राइस पॉइंट पे एक 5G मोबाइल होने वाला है। जी हाँ गाइस, इसका नाम है स्वामी रेडमी 10 प्राइम प्लस 5G मोबाइल। जी हाँ गाइस, मोबाइल काफी तगड़ा होने वाला है कहा जा रहा है। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर 12-13 हजार के रेंज में भी 5G मोबाइल आएगा तो काफी अच्छा प्राइस पॉइंट के हिसाब से 5G मोबाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। सो ये मोबाइल चाइना में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और ये रीब्रांडिंग मोबाइल होगा। सो ये भी आपको चाइना में अभी लॉन्च हो चुका है तो इसका स्पेसिफिकेशन आपको कंफर्म देखने के लिए मिल जाएगा। सो इंडिया में भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा लेकिन आपको थोड़े मोटे डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में। सो इसी मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, क्या प्राइस पॉइंट के साथ क्या स्पेसिफिकेशन इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। सो इस मोबाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और Redmi 10 प्राइम प्लस 5G मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो इसमें आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। जैसा प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्लास्टिक मिलता है तो इसमें भी आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। प्लास्टिक का फ्रेम होगा, फ्रेम में आपको फ्रंट में ग्लास देखने के लिए मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन आएगा। सो काफी अच्छी बात है। और बैक साइड में आपको टॉप लेट में ट्रिपल कैमरा सेटअप की जगह आपको 2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेंगे एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। और इसमें आपको हल्के हल्के चीन हल्के हल्के फ्रंट में बेजल्स देखने के लिए मिलेंगे। वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में। सो फ्रंट से लुक वाइज आपको डिसेंट लुक देखने के लिए मिलेगा। बैक से काफी गुड लुकिंग फोन है। सो इसका वेट कहीं ना कहीं आपको 200 ग्राम देखने के लिए मिलेगा, उसके आसपास ही होगा। तो इस मोबाइल आपको वेट भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। कलर की बात करें तो आपको ग्रे, ब्लू एंड सिल्वर 3 कलर वेरियंट देखने के लिए मिलेगा। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेस्ट है। सो गाइस, इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा 6.58 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। सो इसका डिस्प्ले आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा। सो 100 यूजर्स के लिए आपको डिफिकल्टी होगी थोड़ा, तो आपको 2 हाथ से यूज करना ही पड़ेगा। इसमें आपको 20:9 एक्सपेक्ट रेशियो देखने के लिए मिलेगा। 4G 1 PPI पिक्सल LCD देखने के लिए मिलेगा। सो काफी अच्छी बात है। 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी। 90 Hz का रिफ्रेश रेट, 240 Hz का टच सैम्पलिंग रेट। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका डिस्प्ले काफी तगड़ा होने वाला है। सो इस मॉल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो गेमिंग के लिए, कंटेंट वाचिंग के लिए। डिस्प्ले काफी बड़ा तो कंटेंट वाचिंग इसमें बेस्ट मिल जाएगा। और इसके चिपसेट की बात कर लेते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 7 nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। इसी के साथ हीटिंग का प्रॉब्लम, लैग का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अगर आप हैवी यूजर हो तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, 3-4 घंटे हीट करेगा ही। लेकिन आपको नॉर्मल यूजर हो, अगर 1-2 घंटे ही मचाते हो तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। CPU में आपको मिल जाएगा 2.4 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आएगा। 2 A76 वाले कोर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ को CPU परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मिलेगा Armali G57MC2 कोर का GPU देखने के लिए मिलेगा। GPU भी काफी अच्छा है। LPDDR4X RAM देखने के लिए मिलेगा। UFS 2.2 का सपोर्ट है। चिपसेट आपको अच्छा मिल जाता है गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग करते हो तो, अगर रेंडरिंग करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। 12-13 हजार के रेंज में इस मॉडल को डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। सो इसके कैमरे की बात करते हैं। आपको बैक साइड में डबल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 50 MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 2 MP का माइक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। 1080 30 FPS से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो कैमरा सेटअप आपको यहाँ अच्छा मिल जाता है। डे लाइट कंडीशन में इमेज कैप्चरिंग इसका काफी अच्छा निकाल लेगा। और फ्रंट की बात करें तो आपको 5 MP का प्राइमरी कैमरा चाइना में देखने के लिए मिलेगा और इंडिया में ये 5 MP नहीं आना चाहिए। इसकी जगह 8 and 30 MP कोई भी आए तो अच्छी बात होगी। यहाँ आपको 5 MP बहुत ही घटिया देखने के लिए मिल जाएगा। सो मेरे को लग रहा है यहाँ आपको 5 MP नहीं देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। सो इसके बैटरी की बात कर लेते हैं। आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। 18 W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत ही डिसेंट आपको यहाँ चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा और बॉक्स अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये अच्छी बात है। USB टाइप सी देखने के लिए मिलेगा। 3.5 mm जैक सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। सो मोबाइल काफी अच्छा है। 1 दिन का बैकअप बैटरी से आराम से ले सकते हो लेकिन इसका चार्जर स्लो देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में 33 वाट का चार्जर दे देने चाहिए थे। सो इसके सेंसर्स की बात कर लेते हैं। आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। फेस लॉक लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी कंपोज और सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। सेंसर वाइज भी इसमें कोई भी कमी नहीं है होगा। इसी के साथ इसमें IR ब्लास्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आएगा। 2 नैनो सिम यूज कर सकते हो। एक्सपेंड का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और OS की बात कर लेते हैं। आपको एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलेगा। MIUI 13 का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस होगा। इसमें आपको ब्लॉटवेयर ऐड देखने के लिए मिलते हैं लेकिन आपको अनइंस्टॉल कर सकते हो और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस का अच्छा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट की, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 4128 6128, 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग आपको बेस वेरिएंट की चाइना में 14,000 इसकी गई है और इंडिया में भी आपको कहीं ना कहीं चाइना के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा प्राइस देखने के लिए मिलता है इंडिया में। तो इसका प्राइस आपको 16,000 जा सकता है।
लेकिन 16,000 के रेंज में इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन वैसा देखने के लिए नहीं मिलता। इस मोबाइल को परचेस करने लायक भी कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। सो ये मोबाइल का प्राइस कहीं ना कहीं आपको 12,000-13,000 रेंज में देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया में इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, अदरवाइज इस मोबाइल को आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो। और आप देखते हैं इस मोबाइल को किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च करेगा रेडमी। सो इस मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया। और इससे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।